नमस्कार पशुपालक साथियों, राम राम भाई सारे साथियों ने, तो दीपक सिंह की औरतें हैं एक और स्पेशल वीडियो। तो हम भी जहाँ भी जाओ वहाँ पशुधन तो देखा, लेकिन पशुधन ओवे कैसे तैयार हैं, ये तो सोने पे सुहागा है, ये पत्थर पे लकीर है। पहला पशुधन की ब्रीड होनी चाहिए, लेकिन ब्रीड ओवे कैसे तैयार, उसको अच्छा खिलाना पिलाना पड़े, अच्छा खिलाओ पिलाओ कैसे, उसके लिए उसको कुछ ना कुछ टॉनिक देना पड़े है। तो टॉनिक की बात करेंगे, आप सोशल मीडिया पर ज़्यादातर देखो अच्छे अच्छे टॉनिक की, हम भी ऐड करें, हाँ आप और भी YouTube चैनल पे देख रहे हो, लेकिन अच्छा टॉनिक जो है वो तो अच्छा ही रहा करे। तो आज कुछ और बढ़िया प्रोडक्ट आप सामने लेकर आ रहा हूँ, खाने पीने के लिए बढ़िया, ग्रोथ के लिए बढ़िया, कई चीज़ें हैं खासकर काफ ग्रोथ के लिए बढ़िया, सारी चीज़ें दिखाओगे, आ जाओ एक बार बात करेंगे। तो मैडम है नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार सर। एक बार सारे दर्शकों और कर दो। हाँ जी नमस्कार सर। एक बार शुभ नाम बताओ अपना। तान्या। ठीक है, अपनी कंपनी का और नाम बताओ सबसे पहले। मैं फ्लाईवेट फार्मा कंपनी से हूँ। फ्लाईवेट फार्मा, ठीक है। एक बार इस भाई की ओर ले लिए भाई। तो ये देख सको भाई, ये जो पूरी की पूरी बोतल है और इस पे नाम है भाई का राइट एच, यानी कि इस बोतल का नाम है राइट एच, या काम के ग्रह है यो भी भाई बोल की बता देगा, इस पे लिख भी रखा है गाय भैंस की लेवा लेवटी के विकास हेतु सर्वोत्तम जो टॉनिक है ऐसी लोटी बना देगा। अब कई भाई नु का ध्यान बोले 8 किलो वाली मारी 28 काट देगी के, वो काम को नहीं हुआ, 8 वाली 28 कौन काट है, लेकिन 28 वाली अगर कटने की क्षमता है उसमें 28 की, तो ये 28 कटवा देगी, यानी कि उसको पिक लेवल पर ले जाने का काम ये टॉनिक करते हैं। आ जाओ थोड़ी बहुत और बातचीत कराएं। तो मैडम एक बार अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ और क्या क्या काम करें, सारी बातें करेंगे, यही से बताओ एक बार। हाँ जी सर, ये राइट एच जो है ये लेवटी का विकास करता है। अच्छा, लेवटी का विकास करता है, इसका मेन पर्पस होता है लेवटी का विकास करना। ठीक है जी, ये लेवटी का विकास करेगा, लेवा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। अच्छा हाँ जी सर। तो कितने दिन पहले देना पड़ता है ये आपको? अपने गैबिन पशु को 7वें महीने से देना होता है डिलीवरी तक। अच्छा, डेली से डोज क्या कुछ रहती है? ये आपको 10-10 ml देना होता है रोटी पे लगा के सुबह शाम। ठीक है, रोटी पे लगा के दे दो। हाँ जी हाँ जी, कोई रोटी में दे दो, रोटी में दे दो, नहीं तो सिरिंज भर के आसान सा तरीका, सीधा मुंह में मार दियो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ जी नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो भाई बहुत सारे प्रोडक्ट है इनके, और यहाँ पे बात होती है आजकल बहुत सारे भाई का आग्रह की गैप बन रही, रुक रही, रिपीट हो रही है, तो खनिज की कमी है भैया। एक छोटी सी बात मैं बता दूं सारे साथियों ने, राइट मीन मैडम बताओ एक बार। ये राइट मीन सर आपके दूध की बढ़ोतरी करता है, दूध में फैट की मात्रा की बढ़ोतरी करता है। ठीक है हाँ जी, हीट में लाता है आपके पशु को। ठीक है हाँ जी, डेली रूटीन में जो उसे चाहिए होता है वो ये पूरा देता है। ठीक है, तो इसकी मैडम कॉस्टिंग क्या रहती है? जैसे सर आपको 1 किलो की पैकिंग में 300 का मिलता है, उसके बाद ये आपको 5 किलो की पैकिंग में मिलता है। अच्छा हाँ जी, फिर यानी कि 1 किलो 300 में पड़ता है। तो 1 किलो चलेगा कितने दिन? हाँ जी ये सर, जैसे आपको 50-50 ग्राम देना होता है अपने पशु को सुबह शाम। ठीक है सुबह शाम। हाँ जी, तो भाई 300 रुपए में आप इतने दिन निकाल सकते हो 50-50 ग्राम की डोज के। तो ये फीड में मिला के दे दो? हाँ जी हाँ जी, आप खल चारे चने अच्छा मिला के दो। अगर आप कुछ चीज और खिलाते हो दलिया होगा नॉर्मल टेम्परेचर का हो तो आप उसमें डाल के उसमें भी दे सकते। ठीक है ठीक है। हाँ जी सर। और भाई नू ना सोचियो कि 2 दिन और राइट मीन खिला दिया तारी मैच गया बनोगी, नू को नहीं आ करता। जो खनिज मिश्रण है कम से कम उसका टाइम पीरियड जो है 2-3 महीने का हो जाकर, जो उसकी जो भी मिनरल्स की कमी है वो लगभग 2-3 महीने में पूरी होंगी, एकदम नहीं हो सकता। तो कम से कम मेरे ख्याल से 1 या 2 बाल्टी तो आपको खिलानी पड़ेगी। उसके बाद बताओ मैडम। हाँ जी सर, जैसे फिर ये आपको मिल जाएगी 12 किलो की पैकिंग में। अच्छा 12 में, ठीक है, इस पे थोड़ा कंसेशन आ जाता है। हाँ जी ठीक है जी। नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बताओ। ये सर एक राइट काफ हमारा एक प्रोडक्ट है काफ के लिए। ठीक है हाँ जी, काफ की ग्रोथ के लिए है। ठीक है ठीक है, टाइम के अनुसार उसे ग्रोथ करता रहिए। ठीक है, हाइट बढ़ाता है, वजन भूख बढ़ाता है, तनाव मुक्त रखता है, बीमारियों से दूर रखता है। ठीक है ठीक है जी सर। तो ये राइट काफ है जी, मैं सारे साथियों बता दूं, कई बार यूं करेंगे कि बड़ा दूध पियावे नहीं, राइट काफ उसने 5 लीटर पिला दे तो काम कौन करे भाई, क्योंकि सबसे पहले आपको दूध पिलाना पड़ेगा, और जो दूध का उसके पूरे शरीर में बढ़िया काम करने का जो काम है वो राइट काफ करेगा। हाँ यही बात है मैडम। हाँ जी हाँ जी, दूध को सही काम करवाना राइट काफ करता है। हाँ जी सर। तो भाई दूध के साथ साथ अच्छी चीज आप राइट काफ पिलाओ, इससे बढ़िया हो जाओगा। कदे एकला ही राइट काफ पिलाई जाओ उस तक कोई फायदा नहीं, दूध जरूरी है काफ कहते हैं। ठीक है, कदे उसमें कई समस्या भी बन जाऊंगी अकेला पिलाने में, दूध पिलाओ साथ में लस्सी पिलाओ साथ में ये राइट काफ पिला दो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप लोगों ने। नेक्स्ट बताओ जी। जैसे सर हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये राइट मिल्क बूस्टर। राइट मिल्क बूस्टर। हाँ जी सर, जैसे आपका पशु जब आप इंजेक्शन देके उसे दूध उतरवाते हो। अच्छा हाँ, उसे अवॉइड करो और उसकी जगह आप ये दो अपने पशु को। ठीक है हाँ, तो आपको इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, तो भाई देखो जो बाखड़ी में सो जाओ है एक टाइम पे आ जाओ है अपना किसान के घर इंजेक्शन लगा के दोनों टाइम पे लाने की कोशिश करे, कई बार ताजा ब्याई वो है वो बच्चा नहीं लगा, वह बच्चा भूल जाओ है,
जो हार्मोन है उसके वो एक्टिव नहीं होते, फिर वो पोसाप नहीं आती, दूध नहीं बनाती, उसी खाती रहे। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सर, उसी के लिए है। ये देखो जी राइट मिल्क बूस्टर, ये देख सकते हैं आप सारा का सारा, ये इनकी कंपनी का नाम है और ये प्रोडक्ट का नाम है। इसमें है क्या क्या चीज ये आप सब देख सकते हैं, सारा का सारा मेंशन किया हुआ है। इसकी क्या कॉस्टिंग रहती है? जैसे सर आपको ये 550 का पड़ता है, 550 का एक लीटर, एक लीटर इसी डोज क्या रहती है? ये दूध निकालने से एक घंटा पहले आपको देना होता है, ठीक है, आपको 100 ml देना होता है। तो मतलब एक बोतल में भैंस पोषण लग जाओगी बढ़िया। हाँ ये आपको ये 5 days का कोर्स होता है सर। अच्छा 5 ही दिन का? हाँ दूसरे दिन तो आपको सर दिखना बिल्कुल शुरू हो जाता है अच्छे से। ठीक है, तो बोतल में से बच जाओगा फिर भी? नहीं सर बचता तो नहीं है, जैसे आपको ये देना होता है। ठीक है, इसे तो कम्प्लीट करो। ठीक है ठीक है भाई, एक बोतल में इनका कहना भाई 580 रुपया में लगभग आपकी जो एक भैंस है 2-4 लाख की, 1 लाख की, 80,000 की, 50,000 की होगी, कोई जमाए खरी करी पा जाओ तो वह अपना जो दूध है वो पूरा तरन लाग जाओगी मात्र 580 रुपया में। अच्छा मैडम ये तो सारी बात होली, हाँ एक बात बताओ कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सका इन्हें? ये आप सारे इंडिया के स्टोर्स पे से ले सकते हो। ठीक है हाँ, और ऑनलाइन लेना चाहो तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट से। अमेजोन और फ्लिपकार्ट, इब कई अपने देसी ताऊ हैं तो उन अमेजोन का बेरा नहीं, फ्लिपकार्ट का बेरा नहीं, अगर कोई पढ़ा लिखा पोता पोती उनका तो एक बार डाउनलोड करवा लियो अमेजोन और फ्लिपकार्ट, साथ में उसमें एक बार आप राइट काफ, राइट मीन, राइट एच वो सर्च करो और आपने लगभग प्रोडक्ट मिल जाओगा। थोड़ा बहुत कंसेशन भी रहेगा अगर यहाँ मेरे मेले से कोई लेवे तो? हाँ जी सर बिल्कुल है, जैसे हम अपने प्रोडक्ट में ऑफ लेके आए हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ से लेते हैं तो उन्हें लेस में मिलता है। ठीक है, कुछ ठीक परसेंट है। हमने लेस करके यहाँ रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा हाँ जी, ठीक है जी, तो ये सारी चीजें भाई जहाँ पे स्टॉल लगती है हर मेले में पहुँचते ही है, और साथ के साथ ऑनलाइन जो है वो भी साथ के साथ आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये दाड़े नहीं रहूंगे आप लोगों ने भाई उस मेडिकल पर जाना पड़े, उस शहर में जाना पड़े, ऑनलाइन खरीदो चुटकी दे आप जो है वो खरीद सकते हैं और अपने पशुओं को दे सकते हैं। हाँ। तो सारे भैया राम राम। ठीक है जी मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी रिजल्ट नहीं आया तो भी कमेंट करियो, रिजल्ट आया तो भी कमेंट कर दियो, ठीक है। और कदे कोई भाई नू सोचे दीपक कदे उसकी बना दे, कदे उसकी बना दे, देखो अपना काम है आप लोगों को जानकारी देना, रिजल्ट जो अपनाना ना अपनाना है वो आप लोगों ने देखना भी रिजल्ट आया नहीं आया। तो यही बातें हैं, एक और वीडियो जल्दी मिलाएंगे पशुपालन की एक और अच्छी जानकारी के साथ। राम राम जी सारे।